Hey guys, I welcome you all to StudyIQ. मैं हूँ प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सितवे पोर्ट के बारे में जो आजकल काफी हद तक न्यूज में है. रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने सितवे पोर्ट जो म्यांमार का पोर्ट है वैसे इसमें कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप कर लिया है. तो इसके बाद जो इसकी ऑपरेशनलाइजेशन है वो इंडियन गवर्नमेंट को सौंप दी जाएगी. मतलब कि जैसे चाबहार की जो ऑपरेशनलाइजेशन है वो एक इंडियन कंपनी संभाल रही है, सिमिलरली आने वाले समय में सितवे पोर्ट के साथ भी आप यही होता हुआ देखेंगे. तो जानेंगे सितवे पोर्ट है क्या, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है. डेफिनेटली ऑब्वियसली अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज. बट बिफोर वी बिगिन, वेरियस एग्जाम्स की तैयारी आप घर बैठे कर सकते हैं विद आवर पेन ड्राइव कोर्सेज, जिन्हें आप परचेज कर सकते हैं studyiq.com पे, या फिर आप इन नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हैं फॉर मोर इंफॉर्मेशन. इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि यूपीएससी परस्पेक्टिव से जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी मेंस पेपर 2 अंडर द सब सेक्शन इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज. नाउ आई एम श्योर आपको पता होगा कि दिसंबर 2018 में इंडियन कंपनी इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड IPGL ने ईरान के चाबहार पोर्ट की जो ऑपरेशनलाइजेशन है ये संभाली. एक्चुअली मुझे कहना चाहिए चाबहार पोर्ट का जो एक पार्ट है शहीद बहेश्ती टर्मिनल, इसकी जो ऑपरेशनलाइजेशन है ये संभाल ली है. और यहाँ पर ये 18 महीने तक जो भी यहाँ पे काम होगा, किस तरीके से शिप्स आएंगी, डॉक करेंगी, ये इंडियन कंपनी संभालेगी. इसके बाद अगर ये 18 महीने तक जो भी ऑपरेशनलाइजेशन ये करेंगे इससे इंडियन गवर्नमेंट ईरान की सरकार खुश हैं तो इसको एक्सटेंड करके 10 साल भी किया जा सकता है. तो सिमिलरली जिस तरीके से चाबहार पोर्ट की ऑपरेशनलाइजेशन एक इंडियन कंपनी को मिली है, सिमिलरली म्यांमार का जो पोर्ट है सितवे पोर्ट, इसकी ऑपरेशनलाइजेशन भी काफ़ी जल्द इंडियन कंपनी को मिल सकती है. वो इंडियन कंपनी कौन सी होगी अभी के लिए पता नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड ही होगी, मगर अभी के लिए मैं पक्का कह नहीं सकता क्योंकि ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है. मगर ये ज़रूर है कि सितवे पोर्ट को इंडियन कंपनी ऑपरेशनलाइज करेगी. अब सितवे पोर्ट को बड़े मैप पर दिखाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सितवे पोर्ट की इंपॉर्टेंस क्या है और ये कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का पार्ट कैसे है. देखो सितवे पोर्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है म्यांमार का, जो मैं आपको बता चुका हूँ इसको डेवलप कर रहा है इंडिया. तो रिसेंटली इंडिया के जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर शिपिंग एंड रोड ट्रांसपोर्ट हैं इन्होंने राज्यसभा में खड़े होकर ये जवाब दिया कि द इंफ्रास्ट्रक्चर एट सितवे पोर्ट इन म्यांमार कंस्ट्रक्टेड विद इंडियाज असिस्टेंस इज रेडी फॉर ऑपरेशन. तो ये बहुत बड़ी बात है, मतलब कि कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट को एक बहुत ही बड़ा बूस्ट इससे मिला है. अब कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ. देखो ये समझने के लिए आपको पहले ये फोटो देखनी होगी. यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है वेस्ट बंगाल, ये है कोलकाता और यहाँ पे है एक इंडियन पोर्ट. अब एक इंडियन पोर्ट को हम म्यांमार के सितवे पोर्ट से कनेक्ट करेंगे और उसके बाद एक रोड के जरिए हम मिजोराम से इंडिया की कनेक्टिविटी इंप्रूव करेंगे कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट में. अभी के लिए ये फोटो देख लो, अब हम चलते हैं बड़े पैप पे, वहाँ पे आपकी क्लैरिटी और बढ़ेगी. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है हमारा प्यारा भारत. नाउ इंडिया की आप देखोगे सबसे बड़ी वीकनेस आपको दिखेगी यहाँ पर, ये है सिलीगुड़ी कॉरिडोर. बहुत ही ऑब्वियस ही बात है, अगर मान लीजिए कोई कंट्री इस रीजन को अटैक करता है और यहाँ पे कब्जा जमा लेता है तो इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोराम, ये सारी जो सेवन स्टेट्स हैं ये मेनलैंड इंडिया से बाय लैंड रूट कट जाएंगी. ये बहुत ही बड़ा एक लॉस होगा इंडिया को और उसको रिकैप्चर करना शायद मुश्किल भी हो सकता है. नाउ ओवर द ईयर्स इंडिया ने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स बनाए जहां पर यह सोचा गया कि बांग्लादेश इंडिया की हेल्प करेगा और 1970s के बाद से ही इंडियन गवर्नमेंट ने बांग्लादेश की सरकार को ये कहा कि आप हमें वेस्ट बंगाल या फिर और किसी स्टेट से भी एक हाईवे बनाने दीजिए जो मेनलैंड इंडिया को, इस एरिया को यहां पर नॉर्थ ईस्ट से जोड़ेगा. मगर बांग्लादेश ने कभी किसी प्रोजेक्ट को लेकर अप्रूवल दिया नहीं. तो अब बहुत ही लंबे समय के बाद इंडिया ने फिर 2010 के बाद यह सोचा कि हम क्यों ना म्यांमार का साथ देकर एक पोर्ट जो है यहाँ पे कोलकाता पोर्ट, यहाँ पर जो है इसे क्यों ना हम यहाँ पर डेवलप करें और उसके बाद एक और पोर्ट जो म्यांमार में है सितवे पोर्ट, यहाँ पर यह आप देख रहे हैं यह सितवे पोर्ट, ये बंदरगाह है, यहाँ पर इस बंदरगाह को हम डेवलप करें और उसके बाद यहाँ पर एक नदी बह रही है. देखो सितवे पोर्ट से एक नदी बह रही है यहाँ पर, यह नदी है कलादान नदी. ठीक है, ये जो कलादान नदी है ये इंडिया में भी बहती है, उसके बाद ये मिजोरम में भी बहती है. यहाँ पे आप देखोगे ये है कलादान नदी. तो आइडिया ये था कि क्यों ना हम यहाँ पे जो वेस्ट बंगाल का पोर्ट है यहाँ से कार्गो ले, यहाँ से शिप जाएगी और उसके बाद सितवे पोर्ट को रीच करेगी, उसके बाद इस रिवर से यहाँ पे इनलैंड वाटरवे का इस्तेमाल करके
पलेटवा तक पहुंचेगी। ये एक शहर है म्यांमार में, यहां पर पहुंचेगी। इसके बाद इंडिया एक सड़क बनाएगा म्यांमार के लिए, एक हाईवे बनाएगा जो यहां से लेकर यहां तक जो मिजोरम का एरिया है उसको कनेक्ट करेगी। तो इसके जरिए आप इंडिया क्या कर रहा है कि वेस्ट बंगाल के पोर्ट को म्यांमार की हेल्प से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से जोड़ रहा है। और अगर कल को हमें कोई ट्रांसपोर्ट करना है कोई कार्गो, या फिर हमें उल्टा भी करना है, अगर हमें नॉर्थ ईस्ट से भी इंडिया की तरफ कुछ ट्रांसपोर्ट करना है, तो हम आराम से इस कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के जरिए कर सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि इस प्रोजेक्ट का नाम कलादान क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कलादान नदी जो इंडिया और म्यांमार दोनों से बहती है, इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। अब आप यहाँ पे ये भी सोचेंगे कि आज के टाइम में बांग्लादेश में काफ़ी इंडिया फ्रेंडली गवर्नमेंट है, तो आज के टाइम में हम एक ऐसा प्रोजेक्ट क्यों नहीं बनाते जिससे हम बांग्लादेश के थ्रू नॉर्थ ईस्ट को इंडिया से कनेक्ट कर पाए। देखिए एक बहुत ही अच्छी कहावत है इंग्लिश में, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, कभी भी सारे जो ऑप्शंस हैं वो एक ही जगह मत रख दो, कभी भी किसी एक कंट्री पे ज्यादा डिपेंड ना करो। हमें पता नहीं है वहां पे सिचुएशन कैसे चेंज हो सकती है। फॉर एग्जांपल अभी के लिए शेख हसीना बांग्लादेश में प्राइम मिनिस्टर है, कल को मान लीजिए हाइपोथेटिकली 5-6 साल बाद कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर आता है जो बहुत ही एंटी इंडिया हो, वो चाइना को सपोर्ट करता हो, फॉर एग्जांपल आज के टाइम में जैसे नेपाल की सरकार है, या फिर कुछ टाइम पहले मालदीव्स में जब अब्दुल्ला यमीन थे, तो वैसा ना हो जाए। तो अगर मान लो ऐसा होता है तो जो भी यहाँ पे हाईवे वेस्ट बंगाल को नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करते थे वो रोक दिए जाएंगे, वो ब्लॉक हो जाएंगे, उस वक्त हम क्या करेंगे। तो आज के टाइम में इंडिया ने बांग्लादेश के साथ वेरियस रेल प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं जिससे नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स बांग्लादेश से कनेक्ट हो पाएगी। कुछ बस के भी प्रोजेक्ट हैं, मगर साथ ही साथ हम कलादान पर भी काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं। कल को मान लीजिए सरकार कहीं पर चेंज होती है, उनकी फॉरेन पॉलिसी चेंज होती है, मगर उसका प्रभाव हमारी कनेक्टिविटी विद द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स उस पर नहीं होना चाहिए। तो अभी के लिए जो सिद्वे पोर्ट डेवलप हो चुका है उसमें इंडियन गवर्नमेंट ने टोटल खर्चे हैं 517 करोड़ रुपये, कुछ एस्टिमेट यही है। हालांकि जो ऑफिशियल नंबर है वो गवर्नमेंट ने अभी तक रिलीज नहीं किया है, ये एस्टिमेट है। अब ये तो हमने यहाँ से लेकर कोलकाता का जो पोर्ट है यहाँ से लेकर सिद्वे पोर्ट को कनेक्ट करने के लिए ये हमने पैसे खर्चे। अब मेन खर्चा ये आना था कि पलेटवा जो यहाँ पे शहर है यहाँ से लेकर हम मिजोरम तक किस तरीके से वो कार्गो पहुँचाएंगे, किस तरीके से यहाँ पे कनेक्टिविटी इम्प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे भी हाईवे बनाना था, तो मेन खर्चा इस हाईवे का है। ये जो हाईवे है ये है 1600 करोड़ रुपये का, अ वेरी एक्सपेंसिव हाईवे। और इस रूट में प्रॉब्लम ये भी थी कि ये जो पूरा रीजन है काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट से भरा है। आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको अराकान रीजन भी दिखेगा म्यांमार का, जहाँ पे आपको पता है कि रोहिंग्या क्राइसिस चल रहा है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम भी काफ़ी आई। वेरियस जो टेररिस्ट संगठन है उन्होंने धमकियाँ दी कि यहाँ पे वो कंस्ट्रक्शन नहीं होने देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये जो अराकान आर्मी है, अराकान रोहिंग्या सेल्वेशन आर्मी, और इन लोगों का कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट करने को अपोज करने का रीज़न भी काफ़ी ऑब्वियस था, क्योंकि ओवर द इयर्स इंटेलिजेंस एजेंसीज ने यह भी दुनिया के सामने साफ कर दिया है कि जो रोहिंग्या सेल्वेशन आर्मी है उनके कनेक्शन है पाकिस्तान की लश्कर ए तोयबा से, और भी कुछ और टेररिस्ट संगठन है उनके साथ भी उनके कनेक्शन हैं। तो इस कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट से ओवरऑल इंडिया को कैसे फ़ायदा होगा, जो मैंने आपको बताया। पहली बात तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर जो डिपेंडेंस है वो कम होगी, बांग्लादेश पर जो डिपेंडेंस थी वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। उसके अलावा जो टाइम लगता है अभी कोलकाता से मिजोरम जाने में, जो डिस्टेंस है ये 1000 किलोमीटर तक कट हो जाएगा, और जो समय लगता है गुड्स पहुंचाने में, कोई भी आपको सामान पहुंचाना है बिजनेस का सामान है फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू कोलकाता और कोलकाता टू नॉर्थ ईस्ट, ये काफ़ी हद तक कट हो जाएगा। फिर एक इशू ये भी है कि देखो जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वहाँ पे जो सिक्योरिटी का इशू है वो तो बरकरार है, उसके अलावा एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट इशू ये भी है कि वहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत ही नैरो पैसेज है, तो जो भी बिजनेस की जो अभी ट्रांजेक्शन हो रही है, जो भी वहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो उसी कॉरिडोर से हो रहा है, तो वहाँ पे जब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से जो स्पीड है गुड्स को पहुँचाने की वो भी कम हो जाती है। तो वहाँ पर भी अगर हम ट्रैफिक कम कर पाएँ इस प्रोजेक्ट की मदद से, सो दैट विल बी अ बिग बूस्ट टू द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। देखिए इसके अलावा जो कलादान प्रोजेक्ट है आने वाले समय में उसको हम और मेजर प्रोजेक्ट से भी लिंक कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे। अब आपको देखना होगा कि म्यांमार एक आसियान देश है, थाईलैंड भी एक आसियान देश है, तो यहाँ पे आप देखोगे इंडिया के ज़रिए एक हाईवे गुजरेगा जो यहाँ पे म्यांमार में पहुँचेगा, उसके बाद ये यहाँ पर थाईलैंड में भी जाएगा। तो हम कलादान प्रोजेक्ट को उससे लिंक भी कर सकते हैं इन द फ्यूचर, और उसी के जरिए हम थाईलैंड में भी अपनी जो कनेक्टिविटी है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, देखो ये यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स हैं, ये जान के आप समझ पाएंगे कि ये जो प्रोजेक्ट है कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
इंडिया का जो टोटल ट्रेड है आसियान देशों के साथ, जो 10 आसियान देश हैं जिनमें म्यांमार और थाईलैंड भी आते हैं, ये 2017-18 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें टोटल था ट्रेड 81.33 बिलियन। ये ओवरऑल इंडिया का जो दुनिया के साथ ट्रेड होता है उसका 10% है, 10.57%। तो आसियान देश हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऑलमोस्ट जितना ट्रेड हम चाइना के साथ करते हैं उतना ही ट्रेड हम आसियान देशों के साथ भी करते हैं। इसमें जो वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट थी वो थी 32 बिलियन, जो वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स थी वो थी 47 बिलियन। तो अभी भी क्या है कि हम आसियान देशों से इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। वेर एज आप चाइनीज मिनिस्ट्री का डेटा देखो तो चाइना के सिर्फ एक्सपोर्ट्स, मैं टोटल ट्रेड की बात नहीं कर रहा, सिर्फ अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें आसियान कंट्रीज़ को तो वो ऑलमोस्ट 280 बिलियन डॉलर्स के हैं और जो इम्पोर्ट्स हैं वो 235 बिलियन डॉलर्स के हैं। तो पहली बात तो आसियान देशों के साथ चाइना का जो ट्रेड है वो बहुत ही ज़्यादा है कंपेयर टू इंडिया। उसके अलावा इंडिया एक्सपोर्ट कम करता है आसियान के साथ, इम्पोर्ट ज़्यादा करता है। चाइना इवन दो बीइंग अ बिगर इकोनॉमी वो एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है, इम्पोर्ट कम करता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये सोच रही है कि ऐसे प्रोजेक्ट जो हैं, जो कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है, उसके अलावा जो ये हाईवे प्रोजेक्ट है, इसके ज़रिए आने वाले समय में इंडिया का जो लिंक है विद दीज कंट्रीज़ ये काफ़ी हद तक इम्प्रूव होगा। और जो ट्रेड है जो सिर्फ 81 बिलियन के आसपास है, मैं सिर्फ ही कहूँगा क्योंकि पोटेंशियल यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ये कम से कम हम 150 या 200 बिलियन डॉलर्स तक भी ले जा सकते हैं आने वाले एक दशक में। और जैसे जैसे ट्रेड बढ़ेगा इंडिया की GDP भी बढ़ेगी और जो हमारा सपना है इवेंचुअली के 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनेंगे उस पर भी हम ज़रा तेज़ी से आगे बढ़ पाएंगे। सो दिस इज़ द कम्प्लीट एनालिसिस ऑफ द कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट और उसके अलावा सिटवे पोर्ट की इंपॉर्टेंस। एक बात मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पे मिलिट्री का कोई एंगल नहीं है, इंडियन नेवी की कोई शिप यहाँ पे ऑफिशियली डॉक नहीं करने वाली, तो ये बात भी आपको पता लग गई। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।